कश्मीर के सोशल मीडिया हैंडल पे आप सबका खुशामदीद। मुझे फयाज जमाल भट कहते हैं। मौजूद नाज़रीन, इस वक्त हम पहुंचे जिला कुलगाम का जो लारू अड्डा है, बस अड्डा है, वहां पे पहुंच चुके। आपको बताने की कोशिश करेंगे कि हर अजला में आज के दिन से, आज से ही एक जो है सफाई मुहिम आगाज हो रहा है। जिला कुलगाम के हवाले से बात करें तो यहाँ पे जो लारू बस स्टैंड, बस अड्डा जिसे हम कह सकते हैं, यहाँ पे कुछ ही लम्हात के बाद जिला तरक्याती कमिश्नर कुलगाम डॉक्टर बिलाल मोहिद्दीन भट साहब आएंगे और वो अपने हाथों से यहाँ पे इस अभियान का आगाज करेंगे। इनका कोई हक नहीं है, फिर यहाँ पर करिए। आपके घर पे कोई पूरा का करकट रात को डालेगा, सुबह का सुबह में क्या शादी आपका ये एरिया है, आप इसकी सर्विस यूटिलाइज कर रहे हैं, ये आपका काम है देखना कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इसको दुकान बंद जब तक साफ नहीं करेंगे, साफ करेंगे लागू ने कल से स्टार्ट किया है। रूरल डेवलपमेंट म्यूनसिपलिटीज और पंचायत के साथ मिलकर हम लोगों ने क्लीन कुलगाम का कैंपेन शुरू किया है और जैसे कि हम आज भी देख रहे हैं, ये कैंपेन तब तक सक्सेसफुल नहीं होगा, हम कुलगाम को तब तक साफ नहीं रख पाएंगे जब तक लोग सैनिटाइज नहीं हो जाएंगे, क्योंकि हम हर टाइम आके स्कूल को इन्वॉल्व करके, कम्युनिटी को इन्वॉल्व करके इसको ये साफ करना इम्पॉसिबल है। मुझे लगता है कि लोगों को अवेयरनेस बढ़ानी है कि वो एट द फर्स्ट इंस्टेंस वो ऐसी जगहों पर गंद ना डालें, अपने जो डस्टबिन रखें। म्यूनसिपल लिमिट्स में हमारी 20 गाड़ी भी आती है कूड़ा करके हटाने के लिए, तो अब हमने इसमें प्रयास किया कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व करेंगे इनमें, जैसे आप देख रहे हैं, और कोशिश करेंगे दैट लोगों को सेंसिटाइजेशन भी हो और एक्टिव पार्टिसिपेशन हो जाए, लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट करें इस चीज में कि और सफाई करने में भी, और एट द फर्स्ट इंस्टेंस गंद न डालने के लिए, स्पेशली इन द मार्केट एरिया जहां हम देख रहे हैं कि वी आर नॉट फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन जो कि दुकानदार है या बाकी फ्रूट सेलर्स हैं, वेजिटेबल सेलर्स हैं, हम उन पर फिक्स कर रहे हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी की, उनको आसपास अपना जो जगह है वो साफ रखनी है, अदरवाइज फिर हम उनको उनकी दुकान बंद कर रहे हैं। लोगों ने बहुत बार डायरेक्शंस दी है, प्लान्स बनाए हैं कि सफाई करना है बाकी, लेकिन हमने देखा है कि बहुत सारे उसमें हमें सपोर्ट तो मिला, लेकिन कई जगह हम देख रहे हैं कि अभी भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है। अभी हम उस स्टेज पर पहुंच गए हैं जहां पर ये अब सस्टेनेबल नहीं है, तो जिस भी दुकान शॉपकीपर के सामने, वेजिटेबल सेलर के सामने, जिसका भी कमर्शियल कोई दुकान है, वो जिसको हम कहते हैं एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, भाई अगर वो जनरेट कर रहा है वेस्ट तो उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो अपना डस्टबिन रखे, उसमें ये कूड़ा करकट डाले ताकि हमारी म्यूनसिपलिटी की जो गाड़े हैं वो इनको ले जाए, रादर देन कि वो इतना स्कैटर करे, इसको पूरे सड़क पर गंद मचाए। तो नाउ एडमिनिस्ट्रेशन स्पेशली म्यूनसिपलिटी की डायरेक्शन हमने क्लियरली बताया हुआ कि ऐसी दुकानों को बंद करे जो ये सुधरते नहीं है, एंड FIR भी काटा जाएगा। सिमिलरली ये अभियान जो है हम अब थोड़ा रूरल एरियाज ले जा रहे हैं ज्यादातर, आज तो हम इसको टाउन में है, लेकिन कल हमने जैसे खुडवनी में है, आज कोइमू में हुआ,
सिमिलरली ये कंटिन्यूसली चलेगा। इसमें एक प्रभारी ऑफिसर रहेगा जो कि लीड करेगा सफाई अभियान में। हम लोग सारी पंचायत में सफाई अभियान करना चाहते हैं, एक फेस्टिव माहौल बनाना चाहते हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट में रिलेटेड टू सफाई। कोशिश में है, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, मीडिया का भी सपोर्ट चाहिए, ताकि हम लोग मिलकर कुलगाम को साफ करें। बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बताने की कोशिश करेंगे कि जब हमने डॉक्टर बिलाल महदीन भट्ट से रابطہ किया और इस मुहिम के हवाले से देखिए कोशिश की तो उन्होंने कहा कि सफाई के मामले में मैं बहुत सख्त हूँ और जो भी शख्स, जो भी दुकानदार, जो भी शहरी इसकी खिलाफ वर्जी करेगा यानी गन डालेगा उसके खिलाफ हम FIR देंगे। लिहाजा ये आप पे जिम्मेदारी बनती है कि हम कितना अपने माहौल को साफ रखने की कोशिश करेंगे, आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे RDD डिपार्टमेंट के हवाले से बात करें, जो SED कुलगाम मोहम्मद इमरान खान साहब वो यहाँ पे आ चुके हैं और उन्होंने अपने साथ जो है डोजर लाया है और उनका साफ ये कहना कि ये जो लारू बस स्टैंड है इसको जो इस पे नाजायज कब्जा हो रहा है तो वो हटाने की कोशिश की जा रही है। एक अच्छी शुरुआत है, हम सबको चाहिए कि हम सफाई में आगे आ जाएं क्योंकि एक हदीस में भी है कि सफाई जो नस्ब ईमान है। आप पे और मुझ पे है कि हम कितना ख्याल रखते हैं अपने समाज का। आपसे मुतवाना गुजारिश रहेगी कि अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ रखने की कोशिश कीजिएगा और जाते जाते आपसे गुजारिश है कि आप निदाए कश्मीर को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वक्त जिला कुलगाम से मैं फयाज जमाल भट्ट।